सुन रे सुखी आमार शब्द बृष्टि आमार सुन रे सुखी आमार शब्द बृष्टि श्रावणेर मीठे धाराय सुर छंदे श्रावणेर मीठे धाराय सुर छंदे भालोबासा छोआ लागे मुक्तिर आनंदे सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हार्टी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर अवार्ड डेफिनेटली We all are very happy and really excited to know your future endeavors. So can we start? Yeah. So ma'am, as usual, first question, ki how it felt to you when you get to know about ki aapko national award mila hai, 67th national award, and that also for singing. Yes, of course, it came as a surprise. Surely, kyunki har insaan, har kalakar, का एक ख्वाब होता है एक सपना होता है कि एक ना एक दिन आपको ये हासिल करना ही है वैसे मेरा भी ये सपना रह चुका था अभी भी मैं आई स्टिल कांट बिलीव कि ऐसा मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है क्योंकि हम जब किसी भी चीज में घुस जाते हैं तो बोलते हैं ना कि नहीं नहीं मैं तो ये करूंगी मैं फुल हार्ट एंड सोल हम हर चीज में डालते हैं तो उसके परिणामों का पर हम सोचते नहीं मैं तो कभी भी मतलब मैंने ये किया तो मुझे ये मिलेगा इसलिए मैं ये करूंगी ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा मैं बस करती गई मैं काम करती गई अच्छे से म्यूजिक वीडियोस बनाती गई जो भी लाइव शोज के जरिए लोगों को के सामने आती गई तो मेरे लिए बस यही था कि किसी ने मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं रुकी नहीं मैं खुद की अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करती गई और बस काम करने का ही ये नतीजा है और मैं भगवान पर बहुत भरोसा रखती हूँ कि आप काम करते रहिए एक ना एक दिन आपको वो सक्सेस जरूर हासिल होगा और मतलब भगवान ने मेरी सुन ली और इतना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये गाना अप्रिशिएट हुआ और इट फील्स वेरी ऑनर्ड टू बी एसोसिएटेड विद सच अ ग्रेट मूवी सच अ ह्यूज अवार्ड राइट तो मैम एज यू सेड कि भगवान पे भरोसा रखते और अनएक्सपेक्टेडली हुआ बट कहीं ना कहीं एक टैलेंट बहुत बड़ी चीज होती है राइट तो लाइक इन दिस लॉकडाउन पीरियड वी सॉ दैट नथिंग वाज यूजुअल एवरीथिंग दैट हैपेंड वाज रियली अनयूजुअल लाइक इन इफ वी टॉक समथिंग अबाउट रिलेटेड टू टैलेंट इन सिंगिंग सो वी हैव सीन दैट रसोड़े में कौन था वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस सॉन्ग बना एक टाइम पे तो सी इट ऑल मैटर्स द हार्ड वर्क राइट आप कहाँ से आते हैं आपने कितना हार्ड वर्क किया सो व्हाट वाज योर हार्ड वर्क जर्नी लाइक आपने किस तरह से सिंगिंग को अडॉप्ट किया टू विन सच अ बिग अवार्ड लक इज जस्ट नॉट द फैक्टर राइट वी नीड हार्ड वर्क वी नीड टैलेंट और आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही सो उसके बारे में बताएं इट्स ऑल अबाउट जर्नी मैं हमेशा कहती हूं कि जैसे वो अपने बब्बी मेल के फेमस गाने में भी है मंजिल से बेहतर लगने लगे रास्ते तो मंजिल से बेहतर ऑफ कोर्स ये रास्ते ये जो जर्नी है दैट्स वेरी स्पेशल और बहुत अप्स एंड डाउन हर इंसान के लाइफ में आते हैं वहाँ पे ही आपकी असली परीक्षा होती है ये मैं मानती हूँ कितने भी डाउनफॉल आए कि आप फिर से उभर कर कैसे उस चीज को फेस करते हो दैट इज व्हाट मैटर्स इन माय केस आई बिलोंग टू अ म्यूजिकल फैमिली बाय गॉड्स ग्रेस अगेन देयर इज नो नेपोटिज्म एंड ऑल बट या आई मस्ट क्लेरिफाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो पूरी तरह से अलग म्यूजिक में होते हुए भी बहुत अलग फ्रेटर्निटी से मतलब दे आर क्लासिकल सिंगर्स तो मेरे लिए मतलब दे बोथ आर पीएचडी इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक तो बचपन से ही मैं मतलब वो म्यूजिक में ही पली बड़ी हूँ और 24/7 म्यूजिक का ही जो संस्कार बोलते हैं वो संस्कार मेरे पे होता आया है तो इसलिए थोड़ा सा हेल्प जरूर हुआ कि यू नो वो जो बेस था वो बहुत मेरा लाइक स्ट्रांग हो गया म्यूजिकल बेस उसके बाद जो भी करना था तो मुझे अकेली को करना था क्योंकि ये लाइट म्यूजिक या यू नो प्लेबैक सिंगिंग इसमें का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था तो उन्होंने बोला कि चलो तुम मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम पुणे तो पुणे से मुंबई में आके मुंबई में शिफ्ट होके 10 साल से ये जो जर्नी रही वो उसमें काफी कुछ सीखने को मिला उसमें रियलिटी शो भी काफी
लेट किया मैंने लाइफ में, उससे पहले ही बाय गॉड्स ग्रेस में बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के साथ एज अ को सिंगर परफॉर्म करती आई हूँ, जिसमें एक नाम बहुत बड़ा है कि हृदयनाथ जी, हृदयनाथ मंगेशकर जी, लता जी के भाई, और सुरेश वाडकर जी, काफ़ी सारे ग्रेट सिंगर्स के साथ मैं प्रोफेशनली गाती आई हूँ। तो उसके बाद सारे गमा का मैंने रियलिटी शो करा रीजनल वाला, उसमें फाइनलिस्ट रह चुकी, उस जर्नी में भी मैं बीमार पड़ गई, व्हाट नॉट, तो ये सब फेस करते करते भी नहीं, शो मस्ट गो ऑन, हमें काम करना है, यही मैंने ठान ली थी। और काम मतलब सिंगिंग इज श्योर थिंग कि वो मुझे काम लगता ही नहीं है, इट्स माई पैशन। तो और मुझे जेन्युइनली पता भी नहीं था कि इस काम के हमें पैसे भी मिलते हैं, अच्छा तो अच्छी बात है। मेरे लिए तो गाना खुद के लिए, या ऑफ कोर्स, तो मेरे लिए ये प्रोफेशन बाद में हुआ, पहले वो मेरी पैशन थी, अभी भी वो मेरी पैशन ही है। मैं कौन सी भी चीज़ अच्छा ये मुझे ये सीखने को मिल रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, उसमें कितने इतने पैसे मिल रहे हैं, ये क्या, इट इज़ ऑल सेकेंडरी फॉर मी। सो बस ऐसे ही करते आई, और भगवान की कृपा से हर एक क्या बोलते हैं मकाम पे उनका साथ रहा है, तो बस ईजी हो गई जर्नी। ओके सो दैट वाज रियली ग्रेट। तो मैम टॉकिंग अबाउट रन पिकना, मैंने देखा लाइक मैंने आपके बाकी सॉन्ग्स लाइक मैंने नेट पे जाके आपके बाकी यूट्यूब पे सॉन्ग सुने, मैंने वो सॉन्ग का एक कंपेरेटिव वीडियो देखा, तो इट्स लाइक कि आपका जो एक लोकल फ्लो है उससे वो बहुत ही डिफरेंट है, इट्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट जर्न ऑफ सिंगिंग। तो हाउ डिड यू मैनेज इट, लाइक व्हेन सर्टेनली समवन इंट्रोड्यूस विद अ न्यू काइंड ऑफ थिंग, तो एक तरह से वो डर बैठ जाता है कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, तो क्या वो फियर आपको था और फिर वो आपने कैसे कवर अप किया? ऑफ कोर्स फियर तो होता ही है, कौन सी भी नई चीज़ का होता है, मैं थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, थोड़ा नर्वसनेस होता है कि क्या मैं कर पाऊँगी या कैसे होगा, बट दैट इज़ द मोमेंट विच यू हैव टू ओवरकम, क्योंकि अगर वो आप अपने ओवरकम नहीं किया तो शायद आप इसे बोलते हैं ना कि रिस्क लेने चाहिए लाइफ में तो ही आप कुछ बन पाते हो। तो मेरे साथ ऐसे हमेशा हुआ है कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर ढांचे में खुद को नहीं डाला एज ए सिंगर कि मैं बस ये ही गाऊंगी। मैंने अलग अलग, मैं हमेशा से अलग अलग जॉनराज ट्राई करती आई हूँ और मुझे उसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग, बट मुझे उसमें बहुत ज़्यादा सीख मिलती है और यू नो खुद को एक्सप्लोर करने का आनंद कुछ अलग है, इसलिए मैं हमेशा से अलग अलग किस्म के गाने गाती आई हूँ। इसलिए मैंने ज़्यादातर बाकी के लैंग्वेजेस में भी काम किया अपार्ट फ्रॉम मराठी, क्योंकि हम जब हमारा कंफर्ट जोन छोड़ के कुछ करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, इज व्हाट आई फील। तो ऑफ कोर्स ये गाना जो है पर्टिकुलरली वो मेरे जोन का बिल्कुल भी नहीं था, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि रोमांटिक गानों का जो वोकल टेक्सचर होता है दैट इज समथिंग वेरी नेचुरल, यू नो दैट कम्स टू यू वेरी नेचुरली, बट इसके लिए एक आवाज को मोल्ड करने की जरूरत होती है, या यू नो जो डायलेक्ट होता है, जो लहेजा होता है हर किसी लैंग्वेज का, और ये तो महाराष्ट्रियन फोक था, तो फोक के लिए और ज्यादा पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो मेरे में आने की जरूरत थी, और वो मैंने पूरी तरह से कोशिश करी, और आई फील वेरी हैप्पी नाउ कि वो मेरा पहला ही अटेम्प्ट इतने बड़े लेवल पे अप्रिशिएट हुआ, तो दैट रियली मैटर्स एंड काउंट्स। Really, like everyone would have been appreciating you for this great achievement. So, ma'am, जो ये particularly movie है, what it is about and उसे ये song कैसे relate करता है? And आपकी personal opinion क्या है इस song के ऊपर? Like about its about कि वो song क्या describe करना चाहता है and वो songs के emotions क्या हैं actually? This movie is based on dreams actually. जो कि मैं अभी हाल ही में मेरी जो सिचुएशन है वो सब फिल्म में बताई गई कि एक सपना देखना और वो पूरा होना, उसमें जो ये जो जर्नी है सपना देख के वो जो पूरी पूरे होने में, तो वो जर्नी के बारे में मूवी बात करती है। बार्डो इज तिबेटियन फेज फ्रेज जिसको जिसका मतलब है सपना देखना और वो रियलिटी में आना, उसकी जो जर्नी है। तो टिपिकल महाराष्ट्रियन गाँव में ये शूट हुई भी फिल्म है, और काफी बहुत बड़ी स्टारकास्ट इस फिल्म से जुड़ी हुई है, मकरंद देशपांडे सर है, अंजलि पाटिल है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, और मेरे पे ये ज्यादा जिम्मेदारी थी इस गाने को लेके, क्योंकि इस फिल्म में गाने बहुत ही कम है, लाइक हार्डली जस्ट टू और थ्री सॉन्ग्स मैक्स। सो और ये पर्टिकुलरली ये गाना इस
सिचुएशन पे आता है, दैट सिचुएशन इज वेरी इंटेंस. और रान पिटला मतलब समथिंग लाइक आग जो है ना, जलती हुई आग. जैसे आपके लाइफ में अचानक एक दुख आता है जो बहुत गहरा होता है, मतलब वेरी इंटेंस इट इज. तो दैट सॉन्ग स्पीक्स अबाउट ऑल दैट. और इसलिए वो ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो जो इंटेंसिटी है वो अगर वो 4 मिनट में मेरे आवाज से आई नहीं तो बिल्कुल उसका असर ही नहीं होगा. तो इसलिए ये गाना और ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत मायने रखती थी क्योंकि वो देख के एक्चुअली वो सीन्स पहले शूट हुए थे थैंकफुली, तो आई कुड सी कि कौन से मोमेंट ये गाना आ रहा है. तो वो मोंटाजेस मैंने देखे और बिल्कुल मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि अरे बाप रे अभी इस पे मुझे गाना है. तो दैट रियली हेल्प्ड आल्सो कि वो देखने के बाद वो इंटेंसिटी पता चली और इसके बाद मैंने डिलीवर करा जो भी गाने की कोशिश करी. बहुत अच्छा लगा ये जान के आपकी जो जर्नी रही सॉन्ग के साथ. तुम्हें पर्सनली व्हाट यू फील अबाउट सॉन्ग्स लाइक टू यू नो टू डू समथिंग टू अकम्प्लिश समथिंग वी नीड अ डीप पेशेंस अबाउट इट राइट. और हमको बहुत ज्यादा वो होता है कि हमें ये करना होगा. तो आजकल हम देखते हैं तो जो लोग होते हैं वो ज्यादातर डेस्परेट होते हैं अबाउट देयर लाइक्स अबाउट देयर व्यूज एंड अबाउट हाउ मच दे आर अर्निंग. सो व्हाट इज रियली टैलेंट टू यू लाइक यू You have been with a very long journey. सारेगामा पर सीजन 10 आपने किया, फिर संगीत विश्राद आप रह चुके. तो मतलब वो क्या था आपके लिए, अगर आपको अभी म्यूजिक आपके टर्म्स में डिफाइन करना हो इन ट्रू सेंस तो वो क्या होगा? Of course, मुझे यही लगता है कि आजकल सोशल मीडिया इज सच अ पावरफुल मीडियम टू एक्सप्रेस एनीथिंग. तो इसका ऑफ कोर्स प्रोज है और कॉन्स भी है. मुझे ऐसे लग रहा है कि उस चीज से लोगों को बहुत इजी लग रहा है ये फील्ड ही नहीं मतलब कौन सी भी आर्ट फॉर्म, एनी आर्ट फॉर्म इज वेरी सीम्स वेरी इजी, लुक्स वेरी कैजुअल, बट ऐसे नहीं है. मैं बिल्कुल ये चीज को दोहराना चाहती हूँ कि आप अगर बहुत डेडिकेशन से काम करते रहे और ये लाइक्स और रीच एंड एवरीथिंग दैट कम्स लेटर, उससे पहले आपको एक अच्छा कलाकार बनना है. और वो ट्यूटोरियल्स देख के और यूट्यूब पे पड़े रह के कुछ नहीं हासिल होता है, मेरा मानना है. क्योंकि कौन सी भी आर्ट जो होती है वो आपने अगर अच्छे गुरु से सीखी तो उसका असर लॉन्ग रन में आपको बहुत हेल्प होता है. ऑब्वियसली आई एम नॉट रिडिक्यूलिंग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स एंड एवरीथिंग, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट उससे जो ज्ञान आपको मिलता है दैट इज वेरी टेम्पररी. आपको लाइफ लॉन्ग अगर कौन सी भी चीज खुद में हासिल करनी है या पानी है या टिकानी है तो उसके लिए शायद मुझे ऐसे लगता है कि 3 सालों का डेडिकेशन और मेहनत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट. ओवरनाइट एक दिन के लिए मिल सकती है और वो आई कान गारंटी कि वो टिकेगी, मिलेगी जरूर, बट अगर आप रोज उतने घंटे उतने डेडिकेशन से काम करते रहे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न इज व्हाट मैटर्स. कि काम सभी लोग करते हैं लेकिन एग्जैक्टली और देयर इज नो शॉर्टकट. आई फील कि कौन सी भी चीज के लिए शॉर्टकट आजकल बहुत ज्यादा लाइक अवेलेबल है कि नहीं चलो ये नहीं हो रहा ये करते हैं ये नहीं हो रहा, लेकिन नहीं हो रहा है फिर भी वो करते रहे इज व्हाट मैटर्स. तो मैम जिसके आपने डेडिकेशन कहा तो डेफिनेटली आपके अंदर तो बहुत ज्यादा डेडिकेशन है क्योंकि आप सिर्फ एक वॉइस में सिंगिंग नहीं बल्कि मल्टीपल वॉइस में सिंगिंग करते हो. तो जैसे मैंने आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू भी गया तो उसके अंदर आई सॉ दैट यू सिंगिंग बंगाली गुजराती कन्नड़. तो वो कैसे लाइक क्यों आपने वो इतने सारे जॉनरा एक्सप्लोर करने का सोचा एंड क्यों आप उस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हो और आप भी और लैंग्वेजेस क्यों एक्सप्लोर करना चाहते हो? एक तो मैं खुद को हमेशा से चैलेंज करती आई हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं करती कभी क्योंकि उससे मुझे मतलब खुशी तो मिलती है लेकिन एक जो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना अपना कि अच्छा ये भी मैं कर सकती हूँ इज व्हाट मैटर्स टू मी. इसलिए लैंग्वेजेस की मुझे पहले से बहुत दिलचस्पी थी और फर्गुसन कॉलेज में पुणे में मैं पली बड़ी हूँ तो पुणे में मैंने बीए संस्कृत किया है और एमए मराठी लिटरेचर में किया है, जर्मन भी पढ़ी हूँ तो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस मुझे मैं पहले से आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि अच्छा ये
लैंग्वेज का क्या मजा है ये वो. मैथ साइंस में मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, इनफैक्ट हॉरिबल थी मैं. तो बस इसलिए लैंग्वेजेस सीखना शुरू करा अलग अलग किस्म के. और जब से कॉलेज में थी तब से साउथ का म्यूजिक सुन के आई, तो उसे वो एक ड्रीम था कि अच्छा यस मुझे साउथ की लैंग्वेजेस सीखनी है. हालांकि मुझे बात करने नहीं आती, लेकिन मैं हमेशा ये मानती आई हूँ कि म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज बाउंड्रीज, म्यूजिक इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज. तो म्यूजिक के जरिए हम सब साथ जुड़ सकते एक दूसरे से. वो लैंग्वेज बात करना ही मतलब इज नॉट मैंडेटरी, आप म्यूजिक के जरिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो उस हिसाब से मैंने वो काम करना शुरू करा. साउथ इंडस्ट्री में गई, काफ़ी सारे मूवीज में गए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया. सोचा कि चलो साउथ में भी इतनी सारी लैंग्वेजेस है. हमारे महाराष्ट्रियंस के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो रिप्रोड्यूस इन लाइक अदर लैंग्वेजेस. हमारे लिए तो वो सब जलेबी जलेबी जैसे ही दिखते हैं सब, तो पढ़ना भी नहीं आता. मतलब साउथ में भी चार अलग अलग लैंग्वेज है, हाँ हमारे लिए तो एक ही होता है वो सब. लेकिन वो भी सीखने को मिला कि नहीं यार तमिल, देयर इज तेलुगु, देयर इज मलयालम, कन्नड़, इतनी सारी और हर एक लैंग्वेज की राइट. तो वो सीखना मैंने शुरू करा और सोचा कि जैसे मेरा महाराष्ट्रियन ऑडियंस अब तक एक अच्छा बेस बना हुआ है, तो उनको भी मैं ये मतलब मैं जो ज्ञान मुझे मिल रहा है वो उनके साथ भी शेयर करूँ. सोचा कि अलग अलग लैंग्वेजेस में गाने बनाऊं तो उनको भी अलग लगे, वो भी इंट्रोड्यूस होंगे बाकी किस्म के म्यूजिक. इसलिए मैं ये कोशिश मेरी रही हमेशा से कि चलो अलग अलग लैंग्वेजेस ट्राई करते हैं. और ऑफकोर्स इट्स नॉट ईजी एट ऑल, क्योंकि अगर वो उस ऑथेंटिसिटी से नहीं हुआ तो देयर आर मेनी पीपल जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि अरे ये क्या अटेम्प्ट करा ये क्या. और थैंकफुली माई नेम, मेरा नाम ऐसा है सावनी रविंद्र की लोगों को लगता है मैं उसी लैंग्वेज लाइक उसी रीजन से जैसे मैं साउथ में गाती हूँ तो जब मैं साउथ में जाती हूँ तो लोगों को बताती हूँ आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो दे आर लाइक रियली हमें तो नहीं लगता आपकी सिंगिंग से. तो बस दैट इज माय बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज व्हाई आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जा रहे हो और लोग आपको फर्क नहीं पहचान पा रहे कि आप यहाँ से बिलोंग. So that's really a good and like very achievable compliment. तो मैम कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें, आपकी जर्नी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी सॉलिड है, एंड आपने अभी तक इतने सारे अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में हासिल किए हैं, उसके बाद में आपको आज ये लाइक अभी 67th नेशनल अवार्ड मिला है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्स है उसका आप पे किस तरह से इफेक्ट्स होता है? लाइक कई बार होता है ना कि तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे सर पे नहीं चढ़नी चाहिए, यू शुड बी ऑलवेज टचिंग द ग्राउंड हम बोलते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे और आप पर्सनली खुद इसके बारे में क्या फील करते हैं? ऑफकोर्स हर इंसान को बढ़ावा देने वाले लोग आजू बाजू होना बहुत जरूरी है. और अप्रिसिएशन हर कोई इंसान, वी लुक फॉरवर्ड टू इट कि चलो कोई किसी ने अगर आपकी फोटो भी अगर लाइक कर दी इंस्टाग्राम पे, तो उस दिन आप ऐसे होते हो कि वाओ यार मैंने कुछ तो हासिल करा. यू नो आज तो ऐसे ही हुआ, मतलब फर्स्ट इन कॉम्प्लीमेंट ना तो पुराने जमाने की बात थी, आजकल एक एक लाइक से हमें हमारा मोटिवेशन बढ़ता है. तो ऑफकोर्स दैट मैटर्स, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी जानना जरूरी है कि इट इज ऑल वेरी वेरी टेम्पररी. मतलब कल जो लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं नॉट नेसेसरी वो आज हमें करेंगे. तो हर मोमेंट को हमें खुद को साबित करना होगा, खुद को हर बार आजकल प्रूव करना पड़ता है कि अच्छा आई एम डूइंग समथिंग, आई एम वर्किंग ऑन. तो मैं यही इसी में बिलीव करती हूँ कि ऑफकोर्स कॉम्प्लीमेंट्स मिलना इसी के लिए ही हम काम करते हैं, लेकिन उस पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. दैट कम्स अलोंग. अगर आपका काम उस लेवल का हो तो नेचुरली आपको अप्रिसिएशन मिलेगा. अप्रिसिएशन मिलने के लिए आपको काम नहीं करना चाहिए, इज व्हाट आई फील. तो बस, और जैसे मैंने बोला कि इट्स ऑल वेरी टेम्पररी, अगर ये आपने ठान ली, जैसे आप रियलिटी शोज में भी देखते हैं कि काफी सारे लोगों को लाइक लोग सर पे चढ़ा के रखते हैं कि यार ये सिंगर इतनी फॉलोइंग, और कुछ सालों बाद वो दिखते भी नहीं है, वेरी अनफॉर्चुनेट. तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये सब जो अप्रिसिएशन है वो अगर टेम्पररी है, ये आपको पहले से पता होगा तो आपके लिए ये जर्नी बहुत आसान होगी और आप उस सक्सेस को सर पे नहीं चढ़ा सकते. ओके, तो मैम एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड है.
इसके अंदर मैं बस आपको फटाफट क्वेश्चन पूछूंगा एंड आपको फटाफट आंसर करना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ओके, द वन सिंगर जिसके साथ आपको कोलैबोरेट करना है. हाँ, वैसे तो काफी सारे हैं लेकिन अभी तो फिलहाल अरिजीत सिंह और सोनू निगम जी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ कि तो कभी ना कभी लाइफ में शायद ये भी कितना पूरा होगा. ओके, एक मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहेंगे. बस आपकी जो आपने इतना सारा सपोर्ट मुझे इतने सालों तक दिया है. मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सक्सेसफुल होने के बाद जो सपोर्ट देते हैं उनसे अच्छे आप जब कुछ नहीं कर रहे होंगे होते हैं तब जो आपको सपोर्ट करते हैं वो भी मेरे लिए ज्यादा मायने रखते हैं. बिल्कुल. तो दैट रियली मींस अ लॉट टू मी. और जैसे आपने प्यार मुझे इतना सारा दिया है इतनी पूरी जर्नी में ऐसा ही मेरे साथ बरकरार रखिए और मैं और ज्यादा मेहनत से और काम करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस. ओके, एक यूजलेस टैलेंट जो आपके पास है, लाइक अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग आपके पास एक बहुत कोई ऐसा टैलेंट होंगे जो हमें नहीं पता. बहुत अच्छे मार लेती हूँ मैं पुणे से हूँ तो सार्केज्म उसके भरा हुआ है मेरे में. ओके, स्वैग गर्ल. या या सो डू यू सिंग इन अ शावर? यस आई डू. आपने कौन से सॉन्ग्स गाते हैं? आपने कौन से सॉन्ग्स आप कौन से सॉन्ग्स गाते हैं मोस्ट यूजुअली? यार मैं तो ज्यादातर साउथ के गाने सुनती हूँ तो मैं ऐसे बड़बड़ाती रहती हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आते वर्ड तो बस वो गुनगुनाती रहती हूँ वो तो वर्ड मुझे नहीं आते कुछ लेकिन गाती रहती हूँ. ओके ओके, अगर आपका ये म्यूजिक करियर नहीं होता तो आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं. मम्मी मुझे कुछ आता ही नहीं म्यूजिक के अलावा. एक्चुअली म्यूजिक भी ढंग से नहीं आता आपका दिखता मेरा है तो बस म्यूजिक के बिना मैं आई कांट इमेजिन. That was really great of you. बहुत अच्छे words अभी आपने बोले कि music भी अभी नहीं आता because in every artistic field is just की explore करते जाएं हम like. जी, of course it's like an ocean ना. जितना भी आप अंदर जाओ उतना लगता है कि अरे यार कुछ भी नहीं मिला और ज़्यादा अंदर जाएंगे और जाएंगे और. Yeah, that's the beauty of any art. Okay, what is your favorite song to perform? There are many actually, but लता जी के कौन से भी गाने आज वेरी बहुत फुल गाने हैं लता जी के बस उसमें से लग जा गले एक्सट्रीम फेवरेट लाइक. कौन सा फेमस म्यूजिशियन है जिसको आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं? Again, there are many. The list is very big. But उसमें से हरिप्रसाद चौरसिया जी, मैं फ्लूट बहुत पसंद करती हूँ. फ्लूट है, रविशंकर जी सितारिस, ये काफी ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है और दे आर लेजेंड्स लाइक उनको मैं घंटों तक और वर्शिप कर सकती हूँ. So, what is the best advice जो आपको आज तक किसी ने दी? ये जो मैंने आपको पहले कहा वो ही मेरे मम्मी पापा से मुझे सीख मिली है कि फेल्यूर्स से आपको डरना नहीं है और कितने भी फेल्यूर्स आए आपको बस काम करते रहें विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. ओके, अगर आप इंडस्ट्री में कोई एक चीज बदल सके इट्स लाइक कंप्लीट अबाउट सिंगिंग इंडस्ट्री तो आप क्या बदलना चाहेंगे? जैसा कि पहले एक जमाना था 90s में जहाँ पे एल्बम्स काफी एल्बम्स का जमाना था और सिंगर्स की पहचान ही वो एल्बम्स की जैसे शान सर थे, फाल्गुनी पाठक मैम, सोनू जी, इन सब ने अपने 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 एल्बम्स से डेब्यू किया है और मूवीज में आजकल मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि उतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरीज जितनी बनेंगी उतने अच्छे गाने बनेंगे. और फीमेल सिंगर्स के लिए आजकल मैं बॉलीवुड में ये मेरी बहुत ज़्यादा ये रही है कि फीमेल्स के लिए गाने बहुत कम बनते हैं फीमेल सिंगर्स के लिए क्योंकि फीमेल सेंट्रिक मूवीज भी कम बनती हैं. तो बस अगर ये चीज़ हम बदल पाएँ और जैसे 90s का रिक्रिएशन आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है तो ये भी थोड़ी सी अनोइंग चीज़ है कि यू नो हमारे यहाँ न्यू टैलेंट हाँ न्यू टैलेंट की कुछ भी कमी नहीं है और हम अपने बल पे नए गाने बना सकते हैं तो फिर पुराने गानों को ऐसी तरह से रिवाइव करने में क्या मतलब है. तो ये चीज मुझे आई जस्ट वांट टू आई विश आई कुड चेंज. ओके, तो मैम अबाउट रन पिटला जब आप वो गाना गा रहे थे तो आपको वो तो फील हो ही गया था कि इट्स अ वेरी डिफरेंट जॉनर और तो क्या आपको पहले से वो एक्सपेक्टेशंस थी कि this is going to be a big hit?
और आप इतना बिग स्कोर भी कर सकते हो, आपको एक नेशनल अवार्ड भी मिल सकता है इस सॉन्ग। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? As I said, मेरे expectations कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा से ये मानती आई हूँ कि बस आप अपना काम करो पूरे दिल से और कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, यही मैं फॉलो करती आई हूँ। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो काफी कुछ और कुछ भी हासिल नहीं होता, इससे अच्छा जो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस है वो ज्यादा आपको खुशी देती है। इसलिए मैंने वो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करा था, लेकिन एक बैक टू द माइंड कुछ ऐसा एहसास जरूर हुआ था कि दिस इज समथिंग विच आई हैवन्ट डन बिफोर इन माई लाइफ एंड दिस इज वेरी स्पेशल, ये एहसास जरूर हुआ था, लेकिन एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं थी। तो दिस केम एज अ सरप्राइज। So, ma'am, about this pandemic, how this pandemic was to you? Like, it was boonful, helpful, या फिर आपको इसमें बहुत सारी दिक्कतें हुई? Like, we say ना कि कई लोग depression में भी चले गए, लेकिन कई लोग निखर के ऊपर भी आ गए। तो आपके लिए ये कैसा था मैम? Actually, it came in phases for all of us. जैसे कि मतलब almost एक साल अब हो चुका है कि हम सभी इस phase से गुजर रहे हैं, और हर महीने में एक अलग अलग फेज थी। लॉकडाउन का फर्स्ट फेज जो था वो बहुत स्ट्रिक्ट और यू नो हम पूरी तरह से आइसोलेटेड थे, और हमारे जैसे सब आर्टिस्ट को लेक वो अचानक से मिली हुई वो क्या बोलते हैं छुट्टी थी, जो कि इनिशियली बहुत अच्छी लगी कि अरे यार बहुत आराम करने को मिला। तो यूजुअली हमारा लाइफ ऐसा है हाँ कि आज इस सिटी में कल दूसरी सिटी में ऐसे हम परफॉर्म करके आए हैं सालों तक, तो कभी आराम करने का मौका ही नहीं मिला था। तो पहले फेज में ऐसे लगा कि अरे यार अच्छा हुआ थोड़ा आराम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन उसके बाद का जो टाइम था इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट इज स्टिल वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो म्यूजिक ही ऐसी चीज है जो हमारे साथ 24/7 रहती है, तो इसलिए कभी डिप्रेस होने का बिल्कुल भी कभी मोमेंट नहीं आई कि चलो आई फील वेरी डिप्रेस। ऑफकोर्स लो काफी लगता था, लेकिन म्यूजिक ने हमेशा सहारा दिया है और एक होप दिया है कि नहीं this will end very soon and you know you will do better in life. So second series में मैंने एक reality show भी करा Sony के साथ Singing Star करके, वो भी काफी अच्छा चला और वो भी एक अलग challenge था, difficult situation में shoot करना ये भी itself is a very big challenge. नहीं set पे वहाँ पे like proper reality show shoot. But during the pandemic time taking precautions or like right. So, बस ये सब चीजों से जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हार नहीं माननी है, और हमेशा से मैं काफी होपफुल रही हूँ और अभी भी हूँ कि चलो ये अभी भी बहुत हम डिफिकल्ट टाइम सभी गुजर रहे हैं, तो ये भी जल्द खत्म होगा ये मेरा होप है। ओके सो मैम फर्दर आपके क्या प्लान्स हैं अबाउट सिंगिंग? क्या आप बॉलीवुड में जाएंगे या फिर आप एक्टिंग भी शुरू कर सकते हैं या नहीं? तो आपके कंप्लीट फ्यूचर प्लान्स के बारे में एक छोटा सा। श्योर एक्टिंग तो मैंने फुल फ्लेज्ड एक्टिंग के बारे में कभी सोचा नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उसके लिए काफी डेडिकेशन की जरूरत है, टैलेंट की भी जरूरत है, सिर्फ अच्छे लुक्स होना इज नॉट द केस। मतलब ऐसा होता तो सभी लोग एक्टर्स हो जाते, लेकिन एक्टिंग के लिए आपको कुछ अलग टैलेंट की जरूरत होती है जो मेरे में नहीं, ऐसा मेरा मानना है। बट लेकिन फिर भी एज आई सेड आई लव टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, तो इसलिए खुद के म्यूजिक वीडियोज में मैं एक्टिंग करती हूँ, परफॉर्म करती हूँ, उसमें भी मुझे काफी कुछ सीखने मिलता है। तो बस एज ऑफ नाउ तो काफी सारे म्यूजिक वीडियोज पाइपलाइन में है, जो कि उसमें से कुछ शूट करके भी रेडी है, पोस्ट प्रोडक्शन उसकी चल रही है, तो जल्द ही वो रिलीज हो जाएंगे। अभी मलयालम गाना मैंने साथ में ओरिजिनल का किया है, और हालांकि अभी की जो सिचुएशन है बाहर की भी जो भी है, तो लाइव शोज के भी काफी कुछ प्लान थे, लेकिन अभी के सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जब भी ये सब शुरू होगा उसके बाद यू नो आई विल कम अप विद सम शोज और समथिंग। और बॉलीवुड का सपना तो है ही ऑफकोर्स, और जरूर जैसी भगवान की मर्जी की जैसे मैं अपॉर्चुनिटीज आते जाएंगे मैं वो उसको लेती जाऊंगी। और हालांकि अभी तो मेरा पूरा फोकस इस यूट्यूब और मैं खुद के चैनल को ही ज्यादा से ज्यादा उसको अलग अलग गानों से रिलीज करना चाहती हूँ। तो मैम जिसके आपने 67th नेशनल अवार्ड जीता है, बहुत लोग यंग जो आर्टिस्ट है वो लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए एंड दे आर लाइक यू आर एन इंस्पिरेशनल फिगर फॉर मेनी ऑफ अस, ठीक है, यंगस्टर्स जिनको भी कुछ नया करना है या जिनको भी सिंगिंग फील्ड में आगे बढ़ना है, तो एक एडवाइस उनके लिए हो जाए कि हाउ यू कैन अचीव देयर गोल्स और हाउ दे कैन परस्यू टुवर्ड्स दैट।
मैं ऐसे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप बस काम करते जाइए यार, अभी आजकल वो ही ज्यादा जरूरी है. और कंपटीशन खुद के साथ रखिए, मैं ये हमेशा से मेरा मानना है कि लोगों के साथ कम्पीट करने से कुछ नहीं होता. आपकी कंपटीशन आप खुद ही हो, कि आप कल से आज क्या बेहतर कर रहे हो, क्या खुद सीख रहे हो, कैसे खुद को प्रूव कर रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स. और आजकल तो इतने ज्यादा मीडियम्स हमें सब इसकी उपलब्धि है कि सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, आप चाहो जितना काम कर सकते हो. आपको पहले जमाने जैसे सिर्फ मूवी सॉन्ग पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है. आजकल एल्बम्स खुद के बना सकते हैं लोग, उसका अपना खुद का ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं. मैंने वही करा था, मतलब मैंने कभी भी आई डिडंट वेट फॉर एनी अपॉर्चुनिटी, आई क्रिएटेड इट माइसेल्फ. सो बस वही कहना चाहती हूँ कि आप खुद की स्ट्रेंथ पहचानी है और वो लोगों के सामने लाते रहे. That was really great, ma'am. So that was all about questions, and I wish a really very wish good luck ki aap future mein isse bhi bade bade awards jeete and you become one of the most popular and famous singer of Bollywood. A very hearty congratulations. Thank you so much again. Yeah, thank you. It was great talking to you. Thank you, ma'am. Same here. It was really inspirational. Okay. So goodbye and take care. Thank you. Yeah. Bye. Bye.